पे आई, ठीक है। फिर उसके साथ लेकिन इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 5 वोल्ट। हम्म, लेकिन अब ये पल्सेस हमारे कितने वोल्ट की थे, 9 वोल्ट। और इसमें बैटरी से उठा ली पावर इसकी, 9 वोल्ट। यस सर, यानी कि ये इसको बस जस्ट रिप्लिकेट कर रही है, लेकिन रिप्लिकेट कंट्रोलिंग सिग्नल दे रहा है, एम्पलीफिकेशन है, एम्पलीफिकेशन बैटरी के हिसाब से। तो सर इससे कितनी मोटर चलेंगी? उधर से आ रहा है उसके बैटरी के, उसको सीरीज में ऐड किया है। सीरीज में ऐड नहीं किया सर, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ये मोटर ड्राइवर में हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी सर, ठीक है, प्लस और एक माइनस, ठीक है, देखिए प्लस और माइनस इसमें लगी हुई है। और ये सिग्नल के लिए यहाँ पे देखिए आर्डिनो का जो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, और ये सिग्नल वाली वायर मैंने यहाँ से ये लगाई हुई है इनपुट में, कार्ड के इनपुट में लगाई, ये एक इनपुट में, ये कार्ड के इनपुट में लगाई सर, ये इनपुट है ब्लू वाली और ये वाली पर्पल वाली, दो इनपुट वाली वायर आ गई, तो ये इनपुट वाली आ गई। मैंने इसको IN1 बैटरी है वो ड्राइवर से किस तरह से कनेक्ट, हाँ बता रहा हूँ, IN1 और IN2 हमारे आर्डिनो से आ गए, जो ये हमारे यहाँ से आ रहे थे सर, ठीक है। इनपुट 1 इनपुट 2 ये वाले आ गए सर, ये देखिए ये लिखा हुआ, ये इनपुट 1 इनपुट 2, ठीक है, ये तो इनपुट 1 इनपुट 2 आ गए। 9 वोल्ट की बैटरी मैंने ये लगा दी सर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये जैसे पल्सेस यहाँ पे दे रहा है उसके हिसाब से जो मोटर ड्राइवर IC है, इसमें जो पिन होती है इस तरीके से होती है, यहाँ पे ये M1 दो मोटर ड्रॉ कर सकती है सर, ये यहाँ पे, यहाँ ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है जो मैंने कनेक्ट किया है, यहाँ इनपुट 3 है, ये इनपुट 4 है, चार मोटर चला सकती है ये। तो M1 को जब चलाना होगा तो हमने यहाँ पे यहाँ पल्स दी और यहाँ हमने 0 कर दिया, देखिए ये जो कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने पल्स दी और ये वाली 0 है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पल्स दी और ये वाली 0 है, तो ये मोटर हमारी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। और जब यहाँ पे 0 दी और यहाँ पे पल्स दे दी मैंने, ये मैंने 0 का इसको, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। और जो वोल्टेज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5 वोल्ट 0 वोल्ट, तो यहाँ पे 9 वोल्ट और 0 वोल्ट बन के आ रही है। और ये वो वोल्टेज कहाँ से उठा रही है, यहाँ से उठा रही है प्लस माइनस 9 वोल्ट, ये बैटरी यहाँ से उठा रही है, मतलब जो ये दे रहा है 5 वोल्ट की, वो ये ना लेकर ये ले रही है, हाँ मतलब इसको नहीं ले रही है, ये सिग्नल वोल्टेज ले रही है और पावर वोल्टेज यहाँ से ले रही है, उसको रिप्लिकेट कर दे रही है। 5 वोल्ट इस तरह का ऑन सिग्नल होती है, बिल्कुल ये किस्म का रिले का काम कर रही है, जो रिले की क्वाइल है वो आपकी 5 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, और जो आपके जो आउटपुट है NONC पे हमने 9 वोल्ट दी है, लॉजिकल रिले, अगर समझना चाहिए आइसोलेशन भी दे रही है, 5 वोल्ट चाहिए, मोटर चलाने के लिए हमको बाहर से 9 वोल्ट, ये आपके किस्म की ये रिले का काम कर रही है, जो सर स्टेपर मोटर भी चलेगी इससे, उसके अलग अलग मॉड्यूल सकते हैं, उससे हम 5 स्टेपर मोटर एक साथ चला सकते हैं सर, अभी लैब में चलेंगे सर, कनेक्शन समय जैसे जैसे मैं इसमें बताता हूँ रिप्लिकेट करता हूँ, ये तो आर्डिनो हो गया, यहाँ से ये कनेक्शन आया 3 और 5 से, वैसे इसमें 3 आया हुआ है लेकिन अभी मैं 2 से समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारी मोटर 2 से चल रही है, एक एक्स्ट्रा हमारे पास है वो हम कहीं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 वायर आई जिसमें से हमने 2 यूज की यहाँ पे, तो LED पे भी आ रही है और ड्राइवर में भी जा रही है, यानी LED पे हम देख सकते हैं कि सिग्नल आ रही है और ड्राइवर पे हमने आउटपुट देख लिया, ड्राइवर पे हमारा मोटर को चलाने के लिए हो गया। तभी तो जैसे इसको जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग LED पे भी देख रहे हैं कि बढ़ रही है और मोटर भी चल रही है, यानी कि दोनों जगह आउटपुट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ड्राइवर पे, ड्राइवर पे बैटरी लगी हुई 9 वोल्ट की, इनपुट यहाँ से मैंने उठाया, जो यहाँ से गया था इनपुट वही मैंने 2 वायर से उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है, वही अगली को भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम्पलीफाई होकर के ये मोटर्स के लिए ये वाली वायर जा रही है, ये मोटर लगा हुआ सर, ये इसके 2 वायर, ठीक है। ये कनेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है M2 और M1, तो M1 मोटर मैंने यहाँ से लगा दिया, अगर एक और लगाने को तो मैं M2 में लगा दूंगा। तो बाबू जो तीसरी वायर जो है वो उसके लिए यूज करेंगे, ये 1.5 एम्पीयर तक की मोटर को चला सकता है, अगर हमें ज्यादा 4 एम्पीयर तक चलाना तो L298 दूसरा ड्राइवर आता है उससे चला सकते हैं, थ्री फेज मोटर भी चला सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए PLC भी है इंडस्ट्री में, लेकिन अपने M-Tech लेवल पे हमें इतनी महंगी चलने लगी होती है, हमारा जैसे काम कर रहा है, थ्री फेज मोटर चलेगी सर इससे, अच्छा उसमें तो रिले चाहिए, फिर हमें रिले चाहिए, उसके बाद IGBT ड्राइवर रखता है सर, IGBT ड्राइवर थ्री फेज मोटर को रन करता है। अभी एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमने पल्सेस में कन्वर्ट किया है,
IGBT के थ्रू, फिर हम थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज को पहले थ्री हमने सिंगल फेज को डीसी में कन्वर्ट किया,